तो यार वो कैसे हो? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ फोटोशॉप का पहला सेशन। बगैर कोई वक्त जाया कि स्टार्ट करते हैं फोटोशॉप। मेरे पास फोटोशॉप का है 2020 वर्जन और इसको मैं ऑन करने जा रहा हूँ। और अभी ये ऑन हो जाएगा। ये ऑन हुआ। बेसिकली मेरे पास यहाँ पे एक साइड टैब है जिसके अंदर जो है जो भी मैं शॉर्टकट यूज करूंगा आपको यहाँ पे दिखते जाएंगे इस तरफ। यहाँ से मैं क्रिएट फाइल कॉल करता हूँ और इसको ओपन कर लेता हूँ। इस तरीके से मेरे पास चीजें खुल रही हैं क्योंकि मैंने इसकी सेटिंग चेंज की हुई। आपने अगर पहली मतलब इंस्टॉल किया है तो आपके पास कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। यहाँ से जाके आप इसको रिसेट कर सकते हो एसेंशियल को। मैं इसको दोबारा से अपनी सेटिंग के मुताबिक लेके आता हूँ जो मुझे जरूरत है। बाकी जो है मैं हटा देता हूँ इस वजह से क्योंकि मुझे वर्किंग एरिया ज्यादा चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेट करने के बाद फोटोशॉप की तरफ आता हूँ। अच्छा, फोटोशॉप के अंदर जो है हमारे पास बहुत ज्यादा यानी कि एलस्ट्रेटर के मुकाबले में बहुत ज्यादा अच्छे टूल्स अवेलेबल है। और 2020 के अंदर तो कुछ ज्यादा ही हमारे पास अच्छी चीजें मौजूद हैं जिसके अंदर हमें काम करने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ के थोड़े से इंटरफेस के ऊपर। इंटरफेस से मुराद ये है कि जो हमारे पास टूल जिस तरीके से खुले हुए हैं और जो चीज अवेलेबल है। यहाँ पर आपके पास ये टूल बार है, तो ये ऊपर आपके पास क्या मेन्यू बार है और साइड के अंदर आपके पास इसके पैनल्स खुलते हैं। ये आपका कैनवस है जहाँ पर आप काम करते हैं। एलिस्ट्रेटर के अंदर इस जगह पर जो है आपके पास होता था फिल और स्ट्रोक। फोटोशॉप के अंदर आपके पास होता है फोरग्राउंड और बैकग्राउंड। शॉर्टकट की इसकी ये है, शॉर्टकट की से पहले ये आपका शेप टूल है जिसको आप क्लिक करके रखेंगे तो आपके पास ये मजीद शेप टूल खुल जाएंगे। मैं यहाँ से एक शेप टूल अप्लाई करता हूँ, सही। और अब यहाँ से ये सिलेक्शन टूल। अच्छा, फोटोशॉप के अंदर 2020 के सबसे अच्छी चीज ये है कि आप टूल्स के ऊपर जैसे माउस को लाके छोड़ते हो, खाली होवर करते हो, तो आपको एक छोटा सा ट्यूटोरियल बना के वो दे देता है ऑटो के ये टूल किस काम में आता है और इसकी शॉर्टकट की क्या है। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ अपना दूसरे टूल के ऊपर, रेक्टेंगुलर मार्की टूल के ऊपर, तो ये आपको बताता है कि ये किस काम आता है। तो ये आपको पूरा सिलेक्शन बना कर दिखाता है। इसी तरीके से लेसो के ऊपर आता हूँ तो उसका नाम भी लिखा हुआ आ रहा है, उसकी शॉर्टकट भी लिखी भी आ रही है और वो काम क्या करता है वो भी आपको पता चलता है। ये एक नया टूल आया है, मुझे काफी अच्छा इंप्रेसिव लगा। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। जिस तरीके से आपने देखा होगा इसने सिर्फ ड्रैग किया और पूरे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन हो गया। आगे ये इसका बिल्ट इन ऑप्शन है कि वो ऑब्जेक्ट को अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेता है। इसके ऊपर हम बात करेंगे आगे। पहले बात कर लेते हैं शॉर्टकट के ऊपर कि इसका फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर किस तरीके से अप्लाई होता है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, बैकग्राउंड कलर को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ ताकि हमें डिफरेंस पता चले। शॉर्टकट की है फोरग्राउंड कलर अप्लाई करने की, ऑल्ट डिलीट, ऑल्ट और डिलीट फोरग्राउंड कलर अप्लाई करने की। और अगर बैकग्राउंड कलर आपको अप्लाई करना है शॉर्टकट से कंट्रोल बैक स्पेस, आपके पास ऑटो लिंक ये सारे चीजें अप्लाई हो जाती है। अच्छा, इसका कलर मुझे चेंज करना है, दो तरीके हैं इसके। यहाँ तो मैं यहाँ से जाकर और ये इस तरीके से मेरे पास जो प्रीसेट कलर पड़े हैं वो अप्लाई करता हूँ, या फिर मैं यहाँ से जाता हूँ और अपना कस्टम कलर बना लेता हूँ, सही। लेकिन आप ये देख रहे होंगे मैंने कस्टम कलर तो बना लिया लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। अब मुझे यहाँ पे चेंज करने के लिए क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे चेंज करने के लिए यहाँ पे जाके कलर चेंज किया और अब जाके मैं इसको अप्लाई करता हूँ। ये मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, सही है। सिलेक्शन जो है बेसिकली यहाँ पर दो तरीके से काम करती है। और जैसे सबसे पहले तो आप ये जान लें कि मूव टूल क्या काम करता है। मूव टूल जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को, इमेज को, शेप को, टेक्स्ट को, एक्स वाई जेड कोई भी चीज है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मददगार साबित होता है, या उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए काबिल होता है, या फिर उसको आप रोटेट भी कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से, यानी कि जो सिलेक्शन टूल है आपका ये, यानी कि मूव टूल है, सॉरी, मूव टूल जो है वो आपका किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आपकी मदद देता है, आपको मददगार साबित होता है। सिलेक्शन टूल क्या काम करता है, मैं यहाँ पर आता हूँ और इसी के नीचे सिलेक्शन टूल लेता हूँ और उसी के जैसा एक और बॉक्स में अप्लाई कर देता हूँ। ये मैंने अप्लाई कर दिया और इसको मैं न्यू लेयर के ऊपर लेता हूँ और न्यू लेयर के ऊपर जाके मैं इसके ऊपर कलर अप्लाई कर देता हूँ। देखने में ये दोनों चीजें एक जैसी दिख रही हैं और इसके अंदर कोई फर्क नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये शेप है और ये
मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से जाके कलर चेंज कर देता हूँ। ये शेप है और ये है सिलेक्शन, सही है। अब देखो देखने के अंदर कोई फर्क इसके अंदर महसूस नहीं हो रहा। अच्छा इससे पहले मैं आपको एक और चीज और बता देता हूँ। अच्छा चलो पहले इससे बात कर लेते हैं, फिर आगे मैं आपको बताता हूँ। पहले ये देखें, मैं इसको छोटा करता हूँ, सही है, छोड़ दिया, और सिलेक्शन को पकड़ के मैं छोटा करता हूँ, छोड़ दिया, इसको मैं पकड़ के दोबारा बड़ा करता हूँ, छोड़ दिया, और इसको मैं पकड़ के दोबारा बड़ा करता हूँ, छोड़ दिया। पर क्या आया दोनों में, दोनों में फर्क ये आया कि जब मैंने स्टार्ट में जब ये दोनों शेप बनाए थे तब दोनों के एजेस बड़े शार्प थे, इस तरीके की चीजें नहीं आ रही। ये देख लो ये पिक्सलेट हो रहा है, पिक्सल आना शुरू हो गया इसके अंदर। लेकिन ये शेप है, शेप को मैंने छोटा किया और बड़ा किया दोबारा से तो ये पिक्सलेट नहीं हुआ। तो कोशिश ये करिएगा कि आप ज्यादातर काम जो है ना वो शेप बेस कीजिएगा। अच्छा मैं दोबारा से यहाँ पर आता हूँ, एक नई लेयर कॉल करता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं एक और शेप बना लेता हूँ और इसको मैं कलर दे देता हूँ। अच्छा शेप को आप जब कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देते हो, सही है, अब छोटा करो क्लिक करो, अब बड़ा करो क्लिक करो, तो इसने अपने पिक्सल नहीं खोए, सही है। शेप लो या कोई भी अगर आप सिलेक्शन बनाते हो जैसे आपको शेप बनाना है तो उसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लो। दोबारा से आपको इसको अगर सिलेक्शन स्टाइल में लाना तो यहाँ से जाके आप इसको रास्टराइज कर दोगे और दोबारा से छोटा करोगे और फिर बड़ा करोगे तो ये पिक्सलेट होना शुरू हो जाएगा। तो कोशिश ये कीजिएगा कि आप शेप टूल पे काम करो। अच्छा सिलेक्शन के हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे तरीके हैं। मैं अब चाह रहा हूँ कि मेरा जो डेस्कटॉप है उसका स्क्रीन थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, तो सिलेक्शन टूल को यूज करते हुए मैं उसको चेंज करता हूँ। मैं यहाँ से जाता हूँ और देखता हूँ उसकी लोकेशन कहाँ है, और उसकी लोकेशन ये रही, मैं इसको कॉल कर लेता हूँ। ये मेरा डेस्कटॉप पड़ा हुआ है, मेरा ड्यूल स्क्रीन है तो मैंने दो हिस्सों में डिवाइड करके और एक ही के अंदर कॉल किया हुआ है। अच्छा मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा इसका स्टाइल चेंज करूँ सिलेक्शन में रहते हुए, तो मैं जाता हूँ और मैं जाके यहाँ से यूट्यूब का वॉलपेपर कॉल करता हूँ और मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ तो यहाँ पर डायरेक्ट मेरे पास आ जाता है। वही शॉर्टकट है सारे, शेप करके और ये मैंने इसको नीचे कर दिया, सही है, सबसे नीचे लेके आया। ये देख रहे होंगे आप लेयर के अंदर सबसे ये नीचे पड़ा हुआ है और मैं इसको थोड़ा सा एक ऊपर लेके आता हूँ। अच्छा अब ये मेरा लोगो जो पड़ा हुआ है वो ये रहा, मैं शिफ्ट के साथ इसको थोड़ा सा राइट करता हूँ। अच्छा अब जो है मुझे इसका सेंटर निकालना है, मैं क्लिक करता हूँ और कंट्रोल आर से यहाँ पर जो है ये देख रहे होंगे आप एक ग्रिड नुमा चीज आती है, तो ये ग्रिड को मैं सेंट्रलाइज ले लेता हूँ, ये मेरे पास सेंटर पॉइंट आ गया। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मेरे किसी काम का नहीं है इस वक्त, ये मैंने सिर्फ एक सिलेक्शन निकालने के लिए बनाया था। और यहाँ सर आके मैं आप देख रहे होंगे इसके ऊपर एक कलर ओवरले, मैं इसको पहले बंद कर देता हूँ, सही है। यहाँ से जाता हूँ इफेक्ट्स के अंदर और यहाँ पे कलर ओवरले अप्लाई करके इसको व्हाइट कलर दे देता हूँ, तो ये कलर जो मेरे चाहिए वो मैं अप्लाई कर देता हूँ। अच्छा अब ये यूट्यूब जो है वो मुझे थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ करना है, तो यहाँ पर आपके पास मार्क की टूल काफी काम आता है। तो ये आपने सिलेक्शन बनाई और इसके बाद आपने मूव टूल लिया और इसको आप लेके थोड़ा सा लेफ्ट पे, सही है। इसके बाद आपने इसको छोड़ा और यहाँ पर इसको इसकी सिलेक्शन, ये सिलेक्शन बनी हुई आ रही है ना अभी तक, ये देखो यहाँ पर इसके ऊपर आता हूँ, इस लेयर के ऊपर काम कर रहा हूँ तो यहीं पे आऊंगा और इसके ऊपर मैं आके इसकी सिलेक्शन को खत्म करना है तो कंट्रोल डी, ये इसकी शॉर्टकट है, कंट्रोल डी सिलेक्शन खत्म करने की। अच्छा अब ये वाइट रह गया, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं वही सिलेक्शन टूल लेता हूँ, इस जगह पर ड्रॉ करता हूँ, आई ड्रॉपर टूल लेता हूँ, ये रहा आई ड्रॉपर, और कलर पिक करता हूँ और कलर मेरा आ गया फोरग्राउंड।
मैं आता हूं इसी लेयर के ऊपर और अप्लाई कर देता हूं कंट्रोल डी से शॉर्टकट, यहां से आता हूं और इसको शिफ्ट के साथ मैं थोड़ा सा लेफ्ट पे ड्रॉप करता हूं, यहां पर आता हूं और इसके क्लिक करने के ऊपर मेरे ओरिजिनल कलर ब्लैक एंड व्हाइट जो है वो आ जाते हैं। बैकग्राउंड कलर अप्लाई करता हूं और दोबारा से इसके ऊपर भी जाके मैं बैकग्राउंड कलर अप्लाई करता हूं, यहां से जाके मैं सेव करवाता हूं वॉलपेपर, सही करवा दिया। और दोबारा से अपनी ड्राइव के अंदर जाने के बाद जो है मैं इसको अप्लाई कर देता हूं टाइटल डेस्कटॉप, तो मेरा वॉलपेपर चेंज हो गया। तो आपने सिलेक्शन टूल देखे होगा, सिलेक्शन टूल किस तरीके से काम करता है और क्या काम करता है। सिलेक्शन टूल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोशॉप के अंदर, क्योंकि आपके पास मल्टीपल मल्टीपल चीजें आएंगी जिसको आप जो है वो बेस करके और चीजें कर रहे होंगे। तो किसी भी यानी के फोटोशॉप पर काम करने से पहले अपने सिलेक्शंस को है ना बड़ा इम्पोर्टेंस दीजिएगा, और इसके अंदर आप मजीद जो है वो शेप्स के ऊपर आप काम कर सकते हैं। इसके पास दूसरे शेप्स हैं, यहाँ पर पॉलीगॉन भी है और अलग अलग शेप हैं, और यहाँ पर आपके पास लाइन भी है। आइदर इसके अलावा यहाँ पर कस्टम शेप टूल है जो यहाँ पर आता है, सही है। यहाँ पर आपके पास अलग अलग किस्म के शेप आ जाते हैं, ये पूरे पूरे शेप बने हुए ऑलरेडी, और सीसी 2020 के अंदर तो काफी सारे शेप आ चुके हैं। यहाँ पर वो ऑप्शन है या नहीं है, अच्छा आप इसके अंदर इंपोर्ट भी करवा सकते हो अपने जो एक्सटर्नल आपको लगते हैं कि और होने चाहिए। यहाँ पर आपके पास एनिमल्स आ जाते हैं, आप कोई भी एनिमल वगैरह कॉल कर लेते हो। इसके बाद बोर्ड्स हैं, फ्लावर्स हैं और बहुत सारी चीजें होंगी। इसके फर्दर ऑप्शन अगर देखे जाए तो उसके अंदर कहीं ना कहीं चीजें निकल ही आएंगी। तो बात यह है कि ऑल अप टू यू कि आप किस तरीके से प्रैक्टिस करते हो। आपके पास यहाँ पर कहीं शेप पड़े हो तो आप इसको इंपोर्ट करवा सकते हो। तो आप इस चीज को प्रैक्टिस करो और चीजें देखो कि आप किस तरीके से जो है वो शेप टूल के ऊपर काम कर सकते हो। मैं एक और चीज आपको बता रहा था कि आप यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे, ये डबल स्क्रीन, ये क्या काम करता है, इस पे वन टाइम क्लिक करते हैं तो आपके नीचे की जो बायर है वो गायब हो जाती है और टॉप की जो बायर है जो बार होती है वो भी गायब हो जाती है। आपके पास फोटोशॉप का एक इंटरफेस ही रह जाता है। दोबारा क्लिक करते हो एक मरतबा तो आपसे फुल स्क्रीन की ये डिमांड करता है, डोंट शो, नेक्स्ट टाइम के लिए कर सकते हो फुल स्क्रीन, ये आप कर देते हो। अब दोबारा अगर इसके ऊपर आना है तो शेप तो आ नहीं रहे, आप राइट क्लिक पर बिल्कुल कोने में जब लेके जाते हो यहाँ पर तो ये शेप अपीयर होना शुरू हो जाता है, सही है। और इस पर दोबारा क्लिक करते हो तो ये अपनी जगह पे आता है। इसका शॉर्टकट क्या है, F दबाओगे ये गायब, F दबाओगे फुल स्क्रीन, और दोबारा F दबाओगे तो ये इस स्क्रीन पे आ जाएगा। आप चाहते हो कि मेरे पास सिर्फ कैनवस रहे और सारे ये टूल मेन्यू वगैरह सब गायब हो जाए तो टैब का बटन दबाते हो और टैब के अंदर ये सब चीजें चली जाती है, टूल भी गायब होगा साथ के ये भी गायब होगा, अब दोबारा नहीं आएंगे, सही है। अब टैब दबाओगे तो ये चीजें दोबारा अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। मेरा मकसद ये है कि आपको वो चीजें बता दी जाए जिससे आपको बहुत जल्दी जल्दी फायदा हो और आप जो है फील्ड के अंदर वो काम कर सको। जो कहने का मकसद ये है कि अगर आपने मिसाल के तौर पे फोटोशॉप सीखने से पहले एक माइंड बनाया होगा कि मुझे वेबसाइट डिजाइनर बनना है, मुझे एप्लीकेशन डिजाइनर बनना है, मुझे फोटो एडिटिंग करनी है, मुझे जो है डिजिटल पेंटिंग करनी है, मुझे जो है वेब एप्लीकेशन डिजाइन करनी है, तो आपके पास पहले से एक माइंडसेट तैयार है। मैं आपको ये नहीं कहता कि अच्छा मेरा जो है वो शुरू से एक चीज ये है कि पूरा सॉफ्टवेयर सीखने का कोई फायदा नहीं है, सीरियसली बता रहा हूँ। यानी कि बहुत से लोग मेरे से इस बात से जो है वो इत्तेफाक नहीं करेंगे कि पूरा सॉफ्टवेयर सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वजह यह है मैं ये समझता हूँ कि जब आपकी जरूरत सेलेक्टेड टूल के ऊपर है, यानी अगर आपने वेबसाइट डिजाइन करनी है तो आपको शेप टूल की जरूरत है, आपको मूव टूल आना चाहिए, आपको पेन टूल आना चाहिए, आपको जो है मैजिक वन कहीं किसी हद तक आना चाहिए, बाकी इसके अलावा जो है मैं नहीं समझता आपको बहुत ज्यादा टूल समझने की जरूरत है या बहुत ज्यादा टूल सीखने की जरूरत है। आप ब्रश टूल के ऊपर थोड़ी बहुत ग्रिप हासिल करोगे, जब मास्किंग की बात करेंगे तो आपको आना चाहिए, लेकिन कहने का मकसद आखिरकार यही है कि अगर आपने जो है एक फील्ड चूज करनी है तो आप सेलेक्टेड टूल सीखो,
उसकी वजह ये है कि आप पूरा सॉफ्टवेयर सीखने जाओगे, कब तक आप सॉफ्टवेयर सीखोगे, कब आप प्रैक्टिस करोगे, कब आप फील्ड के अंदर एंट्री लोगे। आप सेलेक्टेड टूल सीखो और सीखने के बाद जो है इसके ऊपर प्रैक्टिस करो, अपनी चीज का पक्का करो। फोटोशॉप ऐसी चीज है या कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसी चीज है, जब आप उसको सीख रहे होते हो सही है, तब तक आप उसके ऊपर प्रॉपर ग्रिप हासिल नहीं कर सकते जब तक आप फील्ड के अंदर इंटर्न ना हो। क्योंकि 3 घंटे 4 घंटे चलाना एक सॉफ्टवेयर को और रोजाना 8 घंटे सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने में बड़ा फर्क है। जब एक चीज आप रोजाना 8 घंटे डेडिकेशन के साथ किसी ऑफिस के अंदर कर रहे होते हो तो आपको 10 चीजें और पता लग रही होती हैं, आप हमेशा सीखते ही रहते हो। तो इट्स ऑल अप टू यू कि आप क्या सोचते हो, क्या नहीं सोचते। मेरा मानना तो ये है कि आप सेलेक्टेड टूल सीखो और जो है प्रैक्टिस करो उसके ऊपर, और जो चीज आपको करनी है, जिस जो आपका टारगेट है उसके ऊपर आप आ जाओ और आप वो चीजें सीखो, उस चीज के ऊपर प्रैक्टिस करो और मार्केट के अंदर जल्दी से जल्दी इंटर हो। तो मैं जो हो फोटोशॉप का वो बड़ा ही शॉर्ट कोर्स लेके आ रहा हूँ, कोर्स लेके आ रहा हूँ कि आप बेसिकली जो मुझे आता है उसके हवाले से आपको बताता हूँ। फोटोशॉप जो है वो मुझे पूरा नहीं आता, यानी कि मेरा जो एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर वो अराउंड 10 ईयर्स है, लेकिन फोटोशॉप मुझे पूरा नहीं आता। इवन दो कि अब भी मैं बहुत सारी चीज़ें सीख रहा होता हूँ और हमेशा सीखने वाले बनते रहो, ऐसा नहीं करना कि कुछ आ गया और फिर फौरन से जो है वो बड़े हो गए कि मुझे सब कुछ आ गया बस खत्म, मैं ही हूँ, लेकिन हमेशा सीखने वाले बनते रहो। तो इजाजत दीजिए मुझे, नए हो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, सजेशन दो। सी यू सून अगले ट्यूटोरियल के साथ, मैं आपको मिलूंगा अगले सेशन के साथ आपको मिलूंगा और आपको मजीद चीजों के बारे में गाइडलाइंस दूंगा। बहुत ज्यादा सेशन नहीं लेने वाला मैं इसके ऊपर, टूल्स के ऊपर, टूल्स वक्तन में आपको बताते रहूंगा। और बहुत जल्दी जो है मैं वेबसाइट के ऊपर आ जाऊंगा कि वेबसाइट का वायरफ्रेम कैसे डिजाइन होता है और उसके बाद उसको किस तरीके से लेके चलते हैं बिगनर टू एडवांस लेवल पे। तो सी यू सून, अल्लाह हाफिज़।